हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल अन्वेशाज क्रिएटिविटी। और आज मैं लेकर के आई हूँ आपको मोहाली की ऐसी ऐसी नर्सरीज। आज आपको भ्रमण कराऊंगी, यानी कि उनका टूर कराऊंगी, जो एक ही साथ एक ही वीडियो में आज मैं कराने जा रही हूँ आपको तीन नर्सरीज का टूर। तो सबसे पहले हम पहुँचे हैं, ये पड़ती है सेक्टर 88 में, सहज नर्सरी के नाम से जो नर्सरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहुँचे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डॉग फ्लावर है और काफ़ी अच्छा सुंदर कलर है इसका, और मैं इसको ओपन करके भी दिखा रही हूँ। तो काफ़ी ये, क्योंकि डॉग फ्लावर इसी के लिए इसका नाम है, क्योंकि इसका मुंह खुलता है शायद, और ये बहुत सारे पौधे हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं गेंदे की, पिटूनिया की, बहुत सारी पौधे हैं यहाँ पर, बहुत सारे पौधे हैं। लेकिन मैंने काफ़ी अलग अलग प्राइस पर, काफ़ी अलग अलग रेंज पता की है इनसे। तो इनके यहाँ काफ़ी सारे पौधे थे जो कि आपको हर जगह नर्सरी पर नहीं मिलते हैं। तो ऐसे ऐसे भी मैंने यहाँ पर पौधे देखे हैं, लेकिन सबके अलग अलग प्राइस हैं। चलिए, जो जो भी मुझे दिखे हैं वो उनके प्राइस मैं आपको बताती चलती हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखा सॉन्ग ऑफ इंडिया, डिफनबेकिया, और ये स्पाइडर प्लांट है। तो इनके प्राइस थोड़े से मुझे प्राइसी लगे, यहाँ पर था 150, 200, 250 इस तरीके से इनके प्राइस थे। शफलेरा 150 था, जूनिप्रस 150, और इस सबसे कोलिया 70 रुपीज़ का था। तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी प्राइसी इसलिए लगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन से ही प्लांट हैं, ये हर जगह आपको नर्सरी पर मिल जाएंगे, तो फिर इनका इतना प्राइस क्यों है। तो इस वजह से मैंने इस नर्सरी से तो कुछ नहीं ख़रीदा। हाँ, वैरायटी यहाँ पर काफ़ी थी, और आपको दिखा देती हूँ, ये स्नेक प्लांट भी यहाँ पर थे, तो वो भी 150 वगैरह के थे। और जो सीजनल प्लांट हैं, जैसे कि मैरीगोल्ड है या फिर पिटूनिया है और गुलदाउदी वगैरह है, ये भी 25 और 30 रुपीस के थे। और आप देख सकते हैं इसके बराबर में, जो गेंदे के बराबर में आपको प्लांट दिखाती हूँ, कैलेंडुला येलो कलर का लगा हुआ है, वो भी मुझे काफ़ी पसंद आया, लेकिन थोड़ा प्राइसी था इस करके मैंने इसको नहीं लिया है। और ये मैरीगोल्ड काफ़ी सारे थे यहाँ पर बहुत, और पिटूनिया के कलर बड़े सुंदर सुंदर थे। तो 25 ईच का इन्होंने रखा है प्राइस। तो मैं इससे पहले जो लेकर के आई थी वो 20-20 रुपीज़ के लेकर के आई थी, इस वजह से मैंने यहाँ से कोई भी प्लांट नहीं ख़रीदा। हालांकि ये देखिए कलर्स आपको दिखा रही हूँ, और ये सब मैरीगोल्ड की पौध है जो कि जिसमें फ्लावरिंग आनी तैयार होने वाली है। तो हमने तो यहाँ से कुछ नहीं लिया, लेकिन इसके बाद में हम चले यहाँ से थोड़ी सी ही दूरी पर, एक और नर्सरी है, मैंने सोचा कि चलो वहाँ जा कर के देखा जाए वहाँ पर क्या प्राइस हैं पौधों के और क्या वैरायटी मिलती है। तो जो ये आ गए हम गुरुदेव नर्सरी, और यहाँ पर ना स्टोन्स वगैरह भी मिलते हैं। काफ़ी फ्रेंड मुझे पूछते रहते हैं टाइम टू टाइम कि स्टोन्स आप कहाँ से लेकर के आए पेंटिंग करने के लिए, तो यहाँ पर स्टोन वगैरह भी आपको नर्सरी पर मिल जाएंगे। तो इस गुरुदेव नर्सरी के एंट्रेंस पर हमें बहुत अच्छे से फ्लावर देखने को मिले, जिनका नाम है ये डॉग फ्लावर, पिटूनिया, ये काफ़ी सारे थे। यहाँ पर प्लांट पॉट भी थे मिट्टी के, और ये देखिए गुलदाउदी के पौधे आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे गुलदाउदी के पौधे थे। पॉन्सेटिया है ये पिंक कलर का, और इसके अलावा पिटूनिया लगे हुए हैं। यहाँ पर भी 25 रुपीज़ हमें सीजनल प्लांट का प्राइस मिला। तो यहाँ पर आप देखेंगे रेड कलर की साल्विया है, मैरीगोल्ड है, पिटूनिया है, ये सभी प्लांट जो हैं वो 25 रुपीज़ ईच था। पौधा क्रोटन जो था वो 70 रुपीज़, 80 रुपीज़। इसके अलावा ये प्लांट पॉट भी रखते हैं, चाहे तो मिट्टी के प्लांट पॉट हों या फिर हों ये आपके प्लास्टिक वाले। तो जितने भी प्लांट पॉट मैं आपको दिखा रही हूँ, इन सब के ऊपर रेट लगे हुए हैं, और ये फिक्स प्राइस हैं, 55 रुपीज़, 150 रुपीज़, 140 रुपीज़, 75 रुपीज़, 150 रुपीज़। तो प्लांट पॉट के रेट मुझे थोड़े से ज़्यादा लगे, मतलब ज़्यादा भी नहीं, 20-25 रुपए ज़्यादा लगे हर प्लांट पॉट का, किसी पर 10 रुपए ज़्यादा लगे, किसी पर 20 रुपए लगे। लेकिन ये जो हैंगिंग बास्केट्स थी ये थोड़े डिफरेंट डिज़ाइन की थी, जैसे मैंने ली है मेरी वाली सिंपल सी थी, और ये वाली जो देखी है मैंने ये 60 रुपीज़ की थी यहाँ पर। इसके अलावा काफ़ी सारे पौधे थे जो हमें अच्छे लगे यहाँ पर, जो मैंने नहीं देखे थे। इसके अलावा ये जो सकुलेंट वेराइटी के जो प्लांट्स हैं, ये यहाँ पर मेरे लेने का इच्छा थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्राइसी था, इस वजह से मैंने लिया नहीं कुछ भी, क्योंकि यहाँ पर सकुलेंट वैरायटी जो थी, जितने भी आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये सब 200-250
इतना इसका प्राइस था, इस वजह से मैं इनको ले नहीं पाई। तो नर्सरी तो काफ़ी बड़ी है, और अगर आपको प्राइस का इशू नहीं है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, और आपको लगभग सारे ही प्लांट मिलेंगे जो आप चाहते हैं, और बड़े पौधे भी मिलेंगे, जैसे आम का है, अनार का है, इस टाइप के भी पौधे मिल जाएंगे आपको। अगर आप चाहते हैं लेना इस टाइप के पौधे, तो यह अगर आपके यहाँ गार्डन बड़ा है या जगह ज़्यादा है तो आप इस टाइप के पौधे भी यहाँ से ले सकते हैं। बट वही है, थोड़े से प्राइसी हैं, तो अगर आपको प्राइस का इशू नहीं है तब तो आप यहाँ से ले सकते हैं। सेक्टर 88 पड़ता है ये, और गुर आसरा ट्रस्ट के पास। यहाँ पर कई सारी नर्सरीज़ हैं, तो मैंने आपको पहले दिखाई थी सहज नर्सरी, उसके बाद में मैंने ये दिखाई है आपको गुरुदेव नर्सरी। और यहाँ पर ये जो आपको दिखा रही हूँ मैं स्नेक प्लांट, ये 150 थे इनके प्राइस, और ये जो आप देख रहे हैं क्रिसमस ट्री, ये 450 इसका प्राइस था। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्राइस थे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के, और साइज़ के अकॉर्डिंग भी इन्होंने इसके प्राइस जो थे वो घटा बढ़ा रखे थे। यानी कि जो छोटे पौधे हैं उसके प्राइस थोड़े से कम थे, और जो बड़े पौधे हैं या थोड़े डेवलप हो रखे हैं या ग्रोथ जिनकी अच्छी है उनके प्राइस थोड़े से ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से ही है। लेकिन प्लांट्स तो काफ़ी अच्छे हैं, नर्सरी भी काफ़ी सुंदर है, एंट्रेंस भी अच्छा है, और ये गमलों के नीचे रखने वाली प्लेट भी इन्होंने रखी है जिसका प्राइस था 25 रुपीज़ ईच। और आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए कितनी सारी सीजनल प्लांट की वैरायटी है यहाँ पे। डायंथस, साल्विया, पिटूनिया है लगा हुआ, मैरीगोल्ड है, गुलदाउदी है यानी कि क्रिसेंथेमम, और हिबिस्कस है। तो फिलहाल हमने तो यहाँ से कुछ नहीं लिया, इसकी थोड़ी सी दूरी पर एक और नर्सरी है तो हम वहाँ पर गए, जिसका नाम है मोहन नर्सरी। तो अभी हम यहाँ पर आ गए हैं मोहन नर्सरी, ये भी काफ़ी बड़ी नर्सरी है, और यहाँ से मैं पिछली बार भी कुछ प्लांट्स लेकर के गई थी और आपके साथ में मैंने शेयर किया था। मुझे इनका रेट थोड़ा सा सस्ता लगा, इस वजह से मैं फिर से यहाँ आई हूँ। मैंने सोचा कि ख़रीदने से पहले एक बार ही थोड़ा सा ट्रायल लिया जाए अलग अलग नर्सरीज़ का, तो इस वजह से मैं यहाँ पर नर्सरी पर गई थी। तो आप देख सकते हैं ये जूनिपरस लगा हुआ है, और कोचिया लगा था यहाँ पर, और ये शफलेरा है वेरीगेटेड में, पीस लिली है, काफ़ी सारी रबर प्लांट है, डिफन बेकिया है, और प्राइस इसमें रबर प्लांट का 80 रुपीज़ है, डिफन बेकिया 80 रुपीज़, पीस लिली 80 रुपीज़, और शफलेरा 70 रुपीज़ है। इसके अलावा जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कोचिया, कोचिया का प्राइस मैंने पूछा नहीं, बट काफ़ी सुंदर प्लांट लगता है, हालांकि सीजनली है, सर्दी में ही रहता है, समर्स आते आते ख़राब हो जाता है ये, तो थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है। तो शफलेरा ये देखिए कितनी सारी वैरायटी है, और छोटी वाली डार्फ वैरायटी जो होती है ये वो वाली है। तो डार्फ वैरायटी के प्लांट्स अच्छे लगते हैं अगर आपकी बैल्कनी छोटी है या वहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं है और आप छोटे प्लांट पॉट में पौधे लगाना चाहते हैं, तो आप डार्फ वैरायटी के पौधे लगाएं, बहुत अच्छे रहते हैं, हरियाली भी देते हैं और उनकी हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती। और ये आप देख सकते हैं एरिका पाम जो है ये इसमें भी डार्फ वैरायटी में थे, तो छोटे और बड़े सभी तरह के अरीका पॉम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे देखने के लिए, तो जो कि 60-70 रुपये से स्टार्ट हैं, और इनका प्राइस आपको जितनी बड़ी हाइट या जितना डेवलप प्लांट चाहिए उस हिसाब से बढ़ जाएगा। तो जो डेवलप वाले प्लांट हैं उनका प्राइस तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा, क्योंकि सभी नर्सरीज़ पर एक ही जैसा प्राइस है। यहाँ पर भी मुझे ठीक ही ठीक लगा इसका प्राइस, क्योंकि जो डार्क वैरायटी है वो इन्होंने भी थोड़ी सी जो रेट मुझे और दूसरी नर्सरी पर मिले वही रेट यहाँ पर भी देखने को मिले। बट हाँ, यहाँ पर मुझे सीजनल प्लांट जो हैं या कुछ और प्लांट ऐसे भी हैं जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, तो उसके रेट मुझे थोड़े से कम लगे, जिसकी वजह से मैंने यहाँ से शॉपिंग की है। और आप देख सकते हैं क्रोटन के काफ़ी वैरायटी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। मेरे पास भी दो तरह का क्रोटन है, मैं यहीं से लेकर के गई थी और काफ़ी साल पुराना है। पहले इनकी नर्सरी 7 फेस में थी, लेकिन अब वहाँ से शिफ्ट कर दी गई है और ये आ गए हैं यहाँ सेक्टर 88 में। तो आप ये देख सकते हैं काफ़ी सारी पौध है यहाँ पर लगी हुई, और ये हैं बड़े बड़े प्लांट्स। इसके अलावा अभी आपको अगर मैं दिखाऊँ, ये देखिए बारिश की वजह से यहाँ पे काफ़ी कीचड़ थी, पर ये देखिए कितने सारे मैरीगोल्ड लगे हैं, और मैरीगोल्ड 20-20 रुपीज़ के हैं यहाँ पर। और केल जो देख रहे हैं आप, इसका रेट मैंने पूछा नहीं, केल भी लगा सकते हैं आप इस टाइम पर। क्रिसेंथेमम है और
मैरी गोल्ड है। इसके अलावा जो सीजनल प्लांट्स की वैरायटी जितनी भी होती है, वर्बीना वगैरह, वो सब यहाँ पर है, मुझे देखने को मिली। डायना था और मैरी गोल्ड था, सालविया था। इसके अलावा डायनास जो मैंने आपको दिखाया, ये मैं पिंक कलर की डायनास, वाइट कलर की डायनास, क्रिसेंथेमम थी, मैरी गोल्ड था, और इसके अलावा डॉग फ्लावर था। बहुत सारे प्लांट्स आप जो विंटर में लगा सकते हैं, ये सभी प्लांट यहाँ पे थे। यहाँ तक कि डहलिया वगैरह भी था मैंने, पर पिछले साल लगाया था मैंने डहलिया, उसके अलावा इस साल मैंने डहलिया नहीं लगाया। और हमें मार्केट में यहाँ पर नर्सरी में घूमते घूमते काफ़ी शाम हो गई, आप देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। तो अब हमने फटाफट से अपनी शॉपिंग कर ली है, और शॉपिंग करने के बाद में प्राइस में थोड़ा सा हमने डिस्काउंट करवाया है। मैंने ली है यहाँ से कुछ फर्टिलाइज़र भी लिया है, यानी कि जो फर्टिलाइज़र है वो, और जो प्लांट लिए हैं वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर ही दिए हैं। कैसा लगा वीडियो आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शॉपिंग करने के बाद में हम चल दिए हैं घर को वापस, और जल्दी मिलूँगी आपको अपने अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर से करें। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।